गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं अपनी जॉब को क्विट कर रहा हूँ। लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइस नो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं काफी टाइम से जॉब भी कर रहा हूँ एंड यूट्यूब इज नॉट माय मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। तो आज मैं फाइनली अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस फॉर द लास्ट टाइम एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न माई लैपटॉप एंड आईडी कार्ड एंड एवरीथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ पिछले 4.5 साल से भी ज़्यादा से समय से जुड़ा हुआ था एंड इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। पैंडेमिक के टाइम पे भी दे रियली सपोर्टेड मी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम हेयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यूट्यूब और जॉब मुझसे एक साथ नहीं हो पा रहा था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एंड फाइनली आप लोगों का प्यार मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। अभी मैं जा रहा हूँ सीधे ऑफिस और आप सबको भी साथ में लेके जाऊंगा मैं आपको, अगर हो सका तो मैं अपनी डेस्क वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपके साथ। सो मेरे साथ स्वप्निल भी जा रही है, स्वप्निल ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं है। सो शी विल बी सिटिंग इन द कार व्हाइल आई रिटर्न माय ऑफिस एंड गिव यू माय ऑफिस टूर। सो यार लेट्स गो। इससे पहले कि हम पहुंचे वहां पे, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यार लेट्स गो। गाइज जाते जाते गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, विच वॉज नॉट अ गुड साइन, बट ठीक है, टायर ठीक करवाया। उसके बाद सीधे मैं निकल गया ऑफिस की तरफ। सो गाइज मैं यहाँ पे ऑफिस पहुँच चुका हूँ और मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जब मैं 4.5 साल पहले इस जगह पे आया था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। मैं यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस सेकेंड फ्लोर में था और इसी गेट से मैं अंदर गया था। हे गाइस, सो मैं फाइनली अपना लैपटॉप और सब कुछ, आई कार्ड वगैरह, हर चीज़ जो मुझे मिली थी इस कंपनी से मैंने वापस कर दिया है। इट्स बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी। 4.5 साल से भी ज़्यादा समय मैंने यहाँ पे स्पेंड किया था और इन सालों में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आई शुड स्विच या फिर कंपनी छोड़नी चाहिए, बट सब कुछ मैंने वापस कर दिया है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला गया मेरे पास से। सो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुखी हूँ, इमोशनल हूँ। या इट्स ऑल फॉर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, सो आई एम सुपर हैप्पी ऑल्सो। मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, सो आई एम थिंकिंग कि आई शुड गो समवेयर एंड आई शुड यू नो जस्ट पैम्पर माई सेल्फ। तो मैं और स्वप्निल हम दोनों जा रहे हैं अभी मॉल, हमें घर का कुछ सामान भी लेना है। आई एल जस्ट रोम अराउंड, मैं कुछ खरीदूंगा नहीं बट जो चीज़ें चेकआउट कर लूँगा, मे बी कुछ पसंद आ जाए तो मैं ले लूँगा। और आई थिंक आज का दिन मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, थोड़ा सा सैड सैड सा। सो लेट्स गो। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है और एक अच्छे कैमरे में भी इन्वेस्ट करना चाहता था क्योंकि इट्स बीन वाइल मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ हर चीज़ और मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने लग गया है और मैं अपना फ़ोन ख़राब नहीं करना चाहता। सो मैंने सोचा कि एक अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट करते हैं और लैपटॉप भी मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मेरा खुद का पर्सनल कोई लैपटॉप नहीं है, मेरा ऑफिस का ही लैपटॉप है एंड आई एम स्विचिंग माई कंपनी। तो मुझे लैपटॉप रिटर्न करना है एंड जो न्यू कंपनी है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जीमेल भी नहीं खुलेगा एंड बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ और हर चीज़ फ़ोन से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे एक लैपटॉप भी चाहिए। एंड फाइनली आज मैंने डिसीजन लिया है कि मैं जाऊंगा और लैपटॉप और कैमरा में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मेरे साथ स्वप्निल भी है, स्वप्निल यहाँ पे मेकअप कर रही है तब से। मेकअप नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे को बस लिप बाम लगाना था। हेलो एवरीवन। तो या लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग गए लॉजिक सिटी सेंटर मॉल जो कि नोएडा में है और जो मेरा बजट था वो था सिर्फ 60,000 और 70,000 का। तो हम पहले एप्पल के स्टोर गए बट वहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट नहीं चल रहा था। उसके बाद हम लोग गए रिलायंस डिजिटल जहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था और मुझे फाइनली जो पसंद आया वो था मैकबुक एयर, क्योंकि जो मैकबुक प्रो था वो 10-20 हज़ार रुपये और ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने ये मेटालिक ग्रे कलर चूज़ किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लासी लगा। सो येस दिस इज़ वॉट आई बॉट। तो गाइज हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी विच वॉज मैकबुक वो ले लिया है। हमें एक्चुअली पहले सोच रहे थे कि एप्पल के स्टोर से खरीदेंगे बट वहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो फिर हम क्रोमा गए, वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा था एंड फाइनली हमें रिलायंस ट्रेंड्स में डिजिटल में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला, तो हमने फाइनली वहाँ से ले लिया है। ये आप देख सकते हैं पीछे बैग है, मैं इसकी पूरी अनबॉक्सिंग आपको घर जाके दिखाऊंगा। अब हम जा रहे हैं सीपी कैमरा चेकआउट करने, क्योंकि जो भी कैमरा हमें चाहिए मतलब कि निकॉन या फिर कैनन के, वो नोएडा में कहीं पर भी नहीं है। आई हैव चेकड एवरीवेयर। सो सीपी में मैंने कल फ़ोन करके पूछा था, सो दे वर सेइंग कि उनके पास है स्टॉक, सो वी आर गोइंग नाउ, सो लेट्स गो।
गाइज हम लोग अभी बस सीपी पहुंचे हैं और अब जा रहे हैं निकॉन के स्टोर, वहां पे चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से कैमराज अवेलेबल है वो भी हमारे बजट में। क्यों स्वप्निल? क्या? तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे कैनन के स्टोर पे। यहाँ पे मैंने चेक किया G7X Mark III, जो कि मेरी प्रायोरिटी थी, बट मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और मुझे जो कैमरा अच्छा लगा वो था कैनन का 200D, जिस पे मेरा दिल पूरी तरह से आ गया था और मैं यहाँ पे उसकी सारी फंक्शनैलिटी समझ रहा था। एंड फाइनली आई बॉट दिस कैमरा ओनली। उसके बाद हम लोग आ गए थे चायोस, जहाँ पे हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमने कितने सारे पैसे खर्च कर दिए, वो भी एक ही दिन में। इतने पैसे खर्च होने के बाद बड़ा पाव खाना पड़ता है और मुझे बन से गुजारा करना पड़ रहा है। Hey guys, so I'm back. So first things first, मैंने ये MacBook Air लिया है। प्रो नहीं लिया है क्योंकि प्रो बहुत एक्सपेंसिव था। एयर जो ये वाला है, इसका ओरिजिनल प्राइस था 90,000 का एप्पल के स्टोर में। क्रोमा में मैंने चेक किया तो 89 का पड़ रहा था, रिलायंस डिजिटल में मुझे 87 का पड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से लिया और हमें 2,000 के कूपन्स भी मिले हैं। और इसके साथ मुझे चार्जर भी मिला है और केबल भी मिली है। और ये 256 GB का है, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे वीडियोस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसमें। सो या, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट। नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज़ कैमरा, विच इज़ ऑफ कैनन 200D। मेरा एक्चुअली बजट था 50,000 तक में और मुझे जो चाहिए था वो था कैनन का G7X Mark III। और जब मैंने इसको देखा तो एकदम ब्लॉगिंग कैमरे की तरह लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बेटर है कि मैं फ़ोन में ही करूँ, कुछ भी मुझे फैंसी नहीं लगा था उसमें। एंड देन आई बॉट दिस वन, वो वाला पड़ रहा था मुझे 55 का और ये था 52 का, तो ये उससे भी सस्ता था। बट दिस वॉज अ SLR, ये DSLR नहीं है, इट्स एन SLR। और इसमें मुझे एक लेंस भी मिला है और इसके साथ मैंने एक बैटरी भी ली है। और मेरे पास जो बोया B1 M1 माइक है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो वाला माइक इसमें वर्क नहीं कर रहा था, आई एम नॉट श्योर वाई, तो मुझे एक दूसरा माइक भी लेना पड़ा। दिस वन इज़ फ्रॉम ब्रांड सिंक और ये भी मुझे 1800 का पड़ा है, मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया। सो या, दीज थिंग्स आई बॉट। सो ये मुझे इन टोटल पड़ा है 52,000 का मुझे ये कैमरा मिला है। इसके साथ मैंने 1500 का ये बैग लिया है और 3000 के अराउंड की बैटरी है, एक्स्ट्रा बैटरी लिया मैंने, और 2000 रुपीज का मैंने माइक भी लिया हुआ है। सो दीज मेनी थिंग्स आई बॉट। सो गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे, तो मैं अपना व्लॉगिंग वाला वीडियो एडिट कर रहा था एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरी जो जर्नी है मैंने आपके साथ जो शेयर करी आपको अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, क्वालिटी वीडियो देखने को मिलेंगे। एंड या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी, जितना आपने अब तक किया है उसके लिए थैंक यू सो मच, आगे भी करते रहिए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।